नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों का बंटवारा तय कर दिया। एनडीए में सब कुछ तय हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रेस बिना राजद से बातचीत किए हुए, अपने सहयोगी दल से बातचीत किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह ऐलान कर दिया कि 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 11 सीटें बची हुई हमारे सहयोगी दल की। इसके बाद से ही आपको हमने मनोज झा का बयान सुनाया था, किस तरीके से वो गुस्से में बोले थे कि राजद जो है अकेले चुनाव लड़ सकती है और इतना दम नहीं है जो हमारे झामुमो हो गया जेएमएम या फिर कांग्रेस में कि वो बीजेपी को अकेले हरा दे। उसके बाद से कल एक और बैठक हुई। आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक हुई। ये बैठक दो बार हुई, पहली बैठक में बात नहीं बनी, दूसरी बैठक 2 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सेट हो गया है। बता दें आपको, झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के 8 सीटों पर लड़ने की संभावना है। इसको लेकर पार्टी का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लगभग समझौता हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि सोमवार यानी कि कल झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच बैठक हुई, जिसमें पार्टी कथित तौर पर 1 दर्जन से अधिक सीटों की अपनी शुरुआती मांग पर कायम रही। आरजेडी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि जेएमएम ने हमें 7 सीटों की पेशकश की है, हमने 9 सीटें मांगी और हमें उम्मीद है कि हमें 8 सीटों पर समझौता कर लेंगे। सोमवार को सोरेन और तेजस्वी में मतभेद को दूर करने के लिए सीट बंटवारे पर 2 बार मुलाकात की। इंडिया ब्लॉक के घटक CPIML के कम से कम 5 सीटों की मांग है। वहीं अन्य वामपंथी दलों CPI और CPM ने कहा कि वे निर्दलीय के दौर पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। तेजस्वी ने सोमवार सुबह CPIML नेताओं के साथ सोरेन के आवास पर मुलाकात की। इसके बाद शाम में तेजस्वी ने सोरेन के साथ आमने सामने बैठक की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार से पिछले 4 दिनों से हेमंत से 5 बार मुलाकात की। जी हाँ, 5 बार मुलाकात हुई है और अब 5वीं मुलाकात में ऐसा लग रहा है कि बात बन गई है। वहीं बता दें कि TOI की रिपोर्ट के अनुसार राजद ने जेएमएम और कांग्रेस के 81 में से 70 सीटें लड़ने और बाकी घटक दल के लिए 11 सीटें छोड़ने के फैसले को अनुचित करार दिया और कम से कम 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी है। जेएमएम प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हम भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा के लिए उत्सुक हैं। इसी बीच कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी मंगलवार यानी कि आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सोमवार शाम को ICC के नामों के अंतिम रूप देने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है क्योंकि गठबंधन सहयोगी के साथ सीट बंटवारे को लेकर स्पष्टता की कमी और उम्मीदवारों की सूची की घोषणा में देरी के बीच कई दावेदारों के साथ राज्य पार्टी के पदाधिकार पिछले कुछ दिनों से राजधानी में डेरा डाले हुए हैं और आज जो है वो कैंडिडेट्स आज जो है सीटों पर ऐलान हो सकता है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।